तो गाइस ये नानी बाहर हम जेसीबी के अंदर, गाइस हैंड ब्रेक लगी है कि नहीं? हैंड ब्रेक लगी है। मजा बहुत आने वाला है। मेरी फर्स्ट नाइट कैंपिंग है, आप लोग इनकी भी शायद फर्स्ट है, ये तो करते रहते हैं। राहुल भाई को क्यों घसीट रहे हो? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। पीछे जेसीबी देख रहे होंगे, जेसीबी के साथ हमारा कुछ काम नहीं है। तो हम जा रहे हैं आज भद्रवाह नाइट कैंपिंग करने, तो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे साथ है जेसीबी और उसके साथ है टाटा पंच। ये आप देख सकते हैं, ये हैं जेसीबी के ऑपरेटर जिनकी ये मशीन है। तो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा सकता हूँ, पर उसके लिए पहले मैं आपको दिखा दूँ। हम जा रहे हैं टाटा पंच को लेके नाइट कैंपिंग करने। नाइट का तो नहीं पता, पर कैंपिंग का जरूर पता। ये हैं हमारे साथ कुछ लोग। तो ये देखिए, बैग पैक हो चुके हैं, लगभग 5 बंदे हम और आराम से बैग पैक हो चुके हैं। फिलहाल इनको इनका सामान दे रहे हैं, तो इस वजह से हम रुके हुए हैं। इनको आप ज़रूर जानते होंगे, कहीं ना कहीं अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखे होंगे। राइडर, प्रोवाइडर, प्रो राइडर हैं ये, और फिलहाल के लिए कैंपिंग कर रहे हैं। हमारे राइडिंग गति की थोड़ी सी रोक लगी। यस, तो ये आप देख सकते हैं सामान कितना पड़ा है। कंबल भी है हमारे पास, 2-3 कंबल हैं, एक आगे है, और ये टेंट है इसके नीचे। और फिलहाल ये आपको दिख रहा होगा सामान वगैरह और बर्तन वगैरह सब इसमें डले हुए हैं। तो स्पेस देख सकते हैं आप, जो डिकी की स्पेस है काफी बड़ी है। तो अब हम ले चलते हैं आपको जेसीबी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटर जेसीबी के। तो जो भी हो, गंद हो, हमें क्या लेने देना, हमारी कौन सी अपनी। तो चलिए हम चलते हैं जेसीबी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये पहली बार हम जेसीबी के अंदर। गाइस हैंड ब्रेक लगी है कि नहीं? कैमरामैन आप अंदर आ सकते हैं प्लीज। तो ये देखिए जेसीबी के अंदर पहली बार हम बैठे हैं। तो इन चीजों के बारे में और ब्रेक कौन सी यार? गाइस ब्रेक कौन सी है इसमें? जरा यहाँ इंचा बोर्ड ब्रेक, मुझे लगता है गाइस ये ब्रेक है, क्योंकि ये दो है जो कभी कभी मोड़ते हैं, तो एक वाली बंद कर, जैसे ट्रैक्टर का होता है वैसे ही इनका भी सिस्टम है। तो अब ऑपरेटर साहब को अंदर बुलाएंगे, उसके बाद पूछेंगे कि कैसे चलती है जेसीबी। ये तो आपको पता है, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग। तो ये मुड़ता कैसे पीछे के लिए? ये सीट मुड़ती है स्टीयरिंग में। अब इनको बुलाएंगे, फिर दिखाएंगे स्टार्ट करके मशीन और थोड़ी मूवमेंट, क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल आगे सटी हुई, अगर हमने कुछ भी गलती की तो सीधा गाड़ी के साथ बचे गए। ड्रोन शॉट। टू व्लॉगर इन वन फ्रेम गाइस, देख सकते हो आप। ये हेल्पर है, थोड़ा सा आपको पूछना चाहेंगे हम, आप उतरिए नीचे एक सेकंड। तो गाइस ये ऑपरेटर है जो हमारे साथ है, ये हमें, ये अजय शर्मा जी है। तो ये कितने, तो अजय शर्मा का इंटरव्यू, तो हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो कितने कितने टाइम से आप ये जो आपकी मशीनरी है वो चला रहे हैं? हैंड ब्रेक बहुत है सर, हमें हो गया 1.5 साल चलाते हुए। डेढ़ साल से, तो कैसा लग रहा है आपको? लग तो ठीक ही रहा है, तकरीबन तकरीबन ठीक ही लग रहा है। ये आपका ये गाइस ऑन हो चुकी थी, और गाड़ी देखिए आप, मैं कहूँ कितनी की है। तो ये हमारी जो गाड़ी चला दी उसी की फुर्ती हमने ब्रेक दबा दी। रुक रुक हम भी
ऐसी भी फर्स्ट टाइम चलाई थी हमने। तो गाइस सच बताऊं काफी फटी आज यार, पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट की थी तो उसके बाद अचानक से अगर मेरी ब्रेक नहीं दबती तो ये गाड़ी का आज केवा बन जाता मशीन से। ओह माय गॉड, तो दिल अभी तक धक धक कर रहा है। चलिए अब चलते हैं भद्रवाह, काफी मजा आने वाला है, एक्साइटिंग व्लॉग है ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम नाइट शूट करेंगे और नाइट कैंपिंग करने वाले। हमारे पास टेंट है जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ, डिक्की पूरी भरी हुई है बैगिंग से। हम 5 लोग हैं, तो अभी इनका पता नहीं, कंफर्म नहीं, अगर इनकी मशीन ठीक नहीं हुई तो ये भी आएंगे शायद, तो इसलिए चलते हैं हम धीरे धीरे। तो बर्तन भी लिए हमने तो, और सब कुछ है फिलहाल, तो मैं डरा हुआ हूँ। तो उम्मीद है गाइस अच्छा आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस काफी गंदा लग रहा है, गंदा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, काफी डरे हम। तो अब हम चल रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन देख के आप समझ गए होंगे कि क्या हालत है थी तब में, क्योंकि काफी लंबे लंबे हाथ होते हैं जैसे नीचे कुछ भी कर सकती थी गाड़ी के साथ, तो पता नहीं भगवान का बचाना कहते हैं इसको। चलिए फिलहाल आप मजा लीजिए आगे रोड का। गाइज हम हैं पुल डोडा में, सोचने चाय वगैरह पीने को, काफ़ी भूख लगी है, खाना तो पता नहीं कैसा मिलता है, चाय और पकोड़े वगैरह समोसों से ही काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल पास हैं चनाब दरिया के। अगर आप भद्रवाह जाते हैं तो काफी क्लीन रोड है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, तो 50-60 तो आप नॉर्मली चला सकते हैं गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी चलती है, आपकी गाड़ी 50-60 चलती है तो यहाँ अगर आप फिर रिस्क ना लें, ओमिनी मार होती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्यों नसीब, तो पिछली बार हम जब गए थे राहुल भाई के साथ तो काफी धीरे धीरे जैसे आगे जा रही है ओमिनी, मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल तो i20 है, सेडान कार काफी तेज चलती है, मुझे ये भी ध्यान रखना है। पहले ही हम, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा तो हम ठुकते ठुकते बच्चे हैं, आज नहीं ठुकना है, अब नहीं ठुकना है, तो ये देखिए हार मान ली मैं। तो रास्ता मैं कहूँ सकते हैं काफी खूबसूरत है यार आगे, बहुत ज्यादा, फिलहाल अभी तो शुरुआत है, मजा बहुत आने वाला है। मेरी फर्स्ट नाइट कैंपिंग है, आप लोग इनकी भी शायद फर्स्ट है, ये तो करते रहते हैं, हमारा तो काम यही है, इनका यही काम है, हमारा खानदानी पेशा है। तो आप इनके ब्लॉग्स जाके चेक कर सकते हैं, द हंटिंग राइडर 06, द हंटिंग राइडर 06 पे आप इनके ब्लॉग्स देख सकते हैं, कैंपिंग वाले काफी ब्लॉग, काफी कैंपिंग करते हैं, ये आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम बर्फ में कैंपिंग करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो देखते हैं ठंडा होता है पिछवाड़ा की नहीं, ये क्या बात करते हैं यार। तो चलिए गाइज, उम्मीद है व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं या जो टाटा पंच के दीवाने हैं। तो चलिए अब हम जा रहे हैं भद्रवाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि कल या परसों आएगा, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग करने, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको बता दूँ, तो आने वाले काफ़ी धांसू और मज़ेदार व्लॉग रहने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा व्लॉग आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए गाइस बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।